तो फिर से एक बार फिर से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। और बच्चा आज हमारे पास है कॉन्सेप्ट कॉमन पोटेंशियल का, जो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली हम इससे डील कर सकते हैं। मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ स्पेशली आपके न्यूमेरिकल्स के लिए कि आप इस पे बेस होके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको बहुत इजीली सॉल्व कर जाए, ठीक है। इसीलिए मैं आज कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लेके आया। देखो बच्चा, आपको पता है कि चार्ज जो शेयर होते हैं वो कहां से कहां होते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होते हैं। कब तक शेयर होते हैं? जब तक कि उनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है ये और दूसरा कैपेसिटर है ये, दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं हमने, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कहा कि दिस इज कैपेसिटर C1, इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया C1 कैपेसिटेंस, इसका मान लिया C2, इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q2, पोटेंशियल है जी इसका V1, इसका पोटेंशियल है जी V2। तो आप बताओ कि टोटल चार्ज, अब तक इन दोनों के चार्ज आपस में शेयर नहीं हुए। कब तक शेयर नहीं होंगे? जब तक कि इनके बीच में कोई कंडक्टिंग रोड ना लगा दें। मान लीजिए कंडक्टिंग वायर से दोनों को जोड़ दिया तो चार्ज शेयर होंगे। कब तक शेयर होंगे? जब तक इनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर जी मेरे को ना फॉर्मूला पता है Q = C1। उस फॉर्मूले से Q1 की वैल्यू जो है वो है C1 V1 और Q2 की वैल्यू जो है वो है C2 और V2, है ना भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल चार्ज जब तक इन दोनों में आपस में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया तो कितना रहेगा? टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, जब तक इन दोनों ने शेयर नहीं किया तब तक इनके पास चार्ज कितना है बच्चा लोग? चार्ज है इनके पास Q1 + Q2। And Q1 = C1 V1, that should be equal to C1 V1 + C2 V2। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच एक कंडक्टिंग वायर लगा देनी है। मैंने यहां पे एक कंडक्टिंग वायर ली और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ, इस वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अब चार्जेस शेयर होंगे? ऑफ कोर्स शेयर होंगे। अब कब तक शेयर होंगे? जब तक शेयर होंगे तब तक की पोटेंशियल दोनों का इक्वल ना बन जाए। लेट अस कंसीडर दैट पोटेंशियल इज वी। वी को हमने मान लिया क्या? दोनों का कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना बच्चा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज Q1 की वैल्यू कितनी होगी शेयरिंग करने के बाद, तो आप कहोगे सर C1 × V। मैंने कहा V क्यों? क्योंकि कहता है सर कि आपने बीच में इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग रोड से और अब चार्ज शेयर हो चुके हैं और पोटेंशियल दोनों का सेम हो चुका है। और मैंने कहा Q2 की वैल्यू, आप कहोगे सर C2 × V। ओके, तो यानी कि अगर मैं टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग देखना चाहूं तो टोटल चार्ज, आई थिंक चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, that should be Q1 + Q2, but Q1 has the value C1 × V, Q2 has value C2 × V, so I can say C1 + C2 × V. अब charge remains conserved, यानी कि total charge before sharing must be equal to total charge after sharing. Before sharing और after sharing दोनों charges की value क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि C1 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज C1 V1 + C2 V2 शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए बच्चा पार्टी? वो होना चाहिए किसके इक्वल बताइए? सोचो, C1 + C2 × V के इक्वल होना चाहिए। अब यहां से आप V की वैल्यू बता दो मेरे को। V की वैल्यू है C1 V1 + C2 V2 डिवाइड बाय C1 + C2। C1 + C2 means the total capacity. C1 V1 + C2 V2 means this is the total charge. Total charge divided by total capacity. This is the value of common potential. ये common potential की value रहने वाली है बच्चा लोग। देखो बच्चा, इस article को मैंने आज तक CBSE में कहीं आते हुए तो नहीं देखा।
लेकिन हाँ इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने बहुत आते देखे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैंने आते देखे बच्चा लोग। तो देखिए आपको जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके चलना है वो है इसका फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले पे बेस होके कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, है ना, कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो आप कहोगे कि सर जी इनिशियल एनर्जी इसके पास थी हाफ सी वन वी वन का स्क्वायर, और इसके पास फाइनल एनर्जी कितनी थी, फाइनल एनर्जी थी हाफ सी वन इंटू वी स्क्वायर। ये तो इसकी इनिशियल इनिशियल, और ये इसकी फाइनल, है ना, ये इसकी फाइनल। इसकी इनिशियल कितनी थी, हाफ सी टू वी टू का स्क्वायर, है ना, ये तो थी इसकी इनिशियल सेकंड वाले कैपेसिटर की। और फाइनल इसकी कितनी थी, फाइनल थी हाफ सी टू इंटू वी स्क्वायर, ये इसकी फाइनल थी। तो अगर हम टोटल इनिशियल एनर्जी देख लें और टोटल फाइनल एनर्जी देख लें और उन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लें, तो दैट डिफरेंस विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस। मेरी बात आप सोचो कि मैं कह रहा हूं कि इनका टोटल लगा लो आप, कितना होगा इनका टोटल, ठीक है, इनका टोटल देख लो और इनका भी टोटल आप देख लो, चेक कर लो, अगर तो दोनों का टोटल सेम आता है तब तो ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है भाई, चार्जेस शेयर हुए हैं आपके, चार्जेस शेयर होने के कारण एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। अगर इनके टोटल में कोई डिफरेंस आता है तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एनर्जी का लॉस हुआ है जी, तो वो लॉस ऑफ एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग आप मान लो U1, तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का पावर 2। और टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग U2 मान लो, दैट इज हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 इनटू V स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी आफ्टर शेयर। ये तो हो गई भाई आपकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, कंडक्टिंग रोड नहीं लगाई आपने अब तक, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। और ये नीचे वाली जो है ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। तो आपके पास U1 भी आ गया, U2 भी आ गया। अब ये कहता है कि अगर चार्जेस शेयर करने के कारण एनर्जी का लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है देन U1 माइनस U2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। U1 माइनस U2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। यानी कि अब मेरे को अल्टीमेटली बात मुझे पता चलेगी कि मुझे U1 माइनस U2 चेक करना है, ठीक है ना। अब कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है मेरे पास, ये है भाई टोटल चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइड बाय ये क्या है भाई, टोटल कैपेसिटी, कैपेसिटी, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी, ये मेरे पास है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है मेरे पास क्या, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी, और यहां पे U1 माइनस U2 की वैल्यू किससे बड़ी आनी चाहिए, जीरो से बड़ी आनी चाहिए। देखते हैं, अगर बड़ी आ गई जीरो से तब तो ठीक है, लॉस हुआ है एनर्जी का। अगर U1 माइनस U2 इज इक्वल टू जीरो आ गया तो एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। स्टार्ट करें, हां जी देखो बच्चा, देखो हमारा अब कॉन्सेप्ट बन जाता है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है, और उस पर हम काम करेंगे। देखो कैसे काम करेंगे, मैं इसको थोड़ा रब कर दूं। देखो बच्चा पार्टी, हमें काम करना है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस पे, ठीक है ना, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ एनर्जी
ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस. मेन बात है, इसकी डेरिवेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको बहुत ही ध्यान से करना है बेटा इसकी डेरिवेशन भी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी डेरिवेशन कंप्लीट करनी है, ठीक? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस आप निकालना चाहते हो, इसके लिए आप कैसे वर्क कर रहे हो देखो, ठीक है? ये देखो बच्चा कैसे आप वर्क करते हो। देखो आपने कहा कि सर हमें U1 माइनस U2 निकालना होगा, अगर U1 माइनस U2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो फिर हमारी बात बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है? मैं आपकी उसी बात को आगे रखता हूं और मैं U1 माइनस U2 की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं। U1 की वैल्यू है मेरे पास, देखो हाफ सभी में, हाफ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मैं हाफ लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है? तो मैं C1 V1 का पावर 2 प्लस C2 V2 का पावर 2 और माइनस क्या करूंगा मैं, माइनस C1 V2 माइनस C2 V2। देखो इनमें से V कॉमन है तो माइनस ऑफ C1 प्लस C2 और इनटू V2 और ये बन गया आपके पास C1 V1 का पावर 2 प्लस C2 V2 का पावर 2। देखो हाफ हम छोड़ के आए हैं, हाफ लास्ट में लगा दूंगा मैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए इसके लिए कर रहा हूं। अब देखो ये क्या है, वी क्या है, ये कॉमन पोटेंशियल है, दिस वी इज कॉमन पोटेंशियल ना, एक्चुअली दिस इज कॉमन पोटेंशियल ना बच्चा। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, रख दो फिर वैल्यू, बिल्कुल भी मत डरो इस बात से। यानी कि U1 माइनस U2 का वैल्यू कितना आ गया बताओ, ये वैल्यू आ गया C1 V1 का पावर 2 प्लस C2 V2 का पावर 2 माइनस ऑफ कितना, C1 प्लस C2 इनटू V इज द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका पावर 2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का पावर कितना 2। अब देखो बेटा एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 गया, ठीक है? अब इसका एलसीएम लो और सॉल्व करो इसे, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा इसका बताओ, इसका एलसीएम आ गया C1 प्लस C2, ये एलसीएम आ गया, यहां तक ले जाता हूं मैं इस लाइन, ठीक है? ये हमारे पास आ गया बेटा C1 प्लस C2 एलसीएम। अब पहले आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को C1 से, करो फिर C1 का पावर 2 V1 का पावर 2 प्लस C1 C2 V2 का पावर 2, अब करो C2 से तो प्लस C1 C2 V1 का पावर 2 प्लस C2 का पावर 2 और V2 का पावर 2 और माइनस कर दो इसका स्क्वायर, ओपन कर दो माइनस ऑफ इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो C1 का पावर 2 V1 का पावर 2, इसको अलग कलर से मैं कर देता हूं सॉल्व ताकि आप पजल नहीं होंगे, ठीक है? इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, माइनस C2 का पावर 2 V2 का पावर 2 माइनस ऑफ 2 C1 C2 V1 V2 माइनस ऑफ 2 C1 C2 V1 V2 जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, C1 V1 का स्क्वायर, C1 V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, कैंसिल हो गए सभी में, C1 into C2 कॉमन है, C1 into C2 कॉमन है, C1 into C2 कॉमन है, तो ये आ गया जी आपके पास C1 C2 कॉमन है, अंदर बचेगा V1 का पावर 2 प्लस V2 का पावर 2 माइनस 2 V1 V2 और डिवाइड बाय क्या आ गया भाई, C1 प्लस C2। अब वो हाफ भी ले आओ आप तो 2 into C1 प्लस C2 ये आपके पास आ गया किसके इक्वल, U1 माइनस U2 के इक्वल। अब देखो बच्चा लोग ये जो है ना V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 तो ये किसकी वैल्यू है, V1 माइनस V2 की वैल्यू आई थिंक है ना, V1 माइनस V2 की वैल्यू है ये जहां तक मुझे दिख रही है। तो अगर स्क्वायर में कोई भी वैल्यू आती है ना तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहती है, स्क्वायर में कोई भी वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी आपको, ठीक है? तो यानी कि अब मैं यहां से ये क्या लिख सकता हूं, उसको C1 C2 डिवाइड बाय 2 इनटू C1 प्लस C2 और दिस इज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर,
क्या कहते हो, दिस इज यू वन माइनस यू टू, तो यू वन माइनस यू टू की वैल्यू किससे ग्रेटर आ रही है, क्योंकि ये तो स्क्वायर में कैपेसिटेंस आपका नेगेटिव, कैपेसिटी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो वी वन माइनस वी टू आपका स्क्वायर है, तो वी वन माइनस वी टू की वैल्यू क्या आ गई, यहां से ग्रेटर देन जीरो आ गई, वी वन माइनस वी टू की, यू वन माइनस यू टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब लॉस तो हुआ है, अब लॉस कितना हुआ है, दैट इज u1 minus u2, let us consider that is equal to delta u, और वो loss of energy कितना आ गया आपके पास, c1 c2 divide by 2 into c1 plus c2 multiplied by v1 minus v2 का whole square, v1 minus v2 का whole square, this is the loss of energy, यानि कि greater than equal to किसके आएगा, 0 के आएगा, ठीक है, तो delta u की value आपके पास आ गई, loss of energy की value आ गई आपके पास, C1 C2 डिवाइड बाय 2 इनटू C1 प्लस C2 और इनटू V1 माइनस V2। अब देखो बच्चा, ये फॉर्मूला आपके पास बन गया, इस फॉर्मूला को आप स्टार से डिनोट कर दो, अब आपके पास फॉर्मूला बन चुका है बच्चा, तो जितने बच्चे मेरे साथ नोट कर रहे थे वो एक बात ध्यान से देखें कि आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, लॉस ऑफ एनर्जी आपके पास कितनी आई है, That is equal to C1 C2 divide by 2 into C1 plus C2 V1 minus V2 का whole square, ठीक है भाई, ये आपके पास energy आई है। अब numerical कैसे आएगा इसमें? मैं आपको numerical बताता हूँ किस तरीके से आपके पास numerical आएगा, ठीक है? देखो आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर sharing share करने से energy का loss होता है, और वो जो loss है उसकी value है C1 into C2 divide by 2 इंटू सी वन प्लस सी टू और वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, यही कहा ना आपने, अब इस पे न्यूमेरिकल बनाना है। मान लो आपके पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है आपके पास 12 माइक्रोफेराड की, और दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी है 3 माइक्रोफेराड की, ठीक है, और इसको चार्ज किया गया विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, इसको 50 वोल्ट से चार्ज किया गया, ठीक है, और ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है, तो आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी है 12 एंड 3 माइक्रोफेराड, कैपेसिटर of capacitance 12 microfarad is charged with the help of a potential 50 volt and second remains uncharged, after charging this is connected to the second capacitor, this is connected to the second capacitor, what will be the loss of energy ya how much energy is shared ya aisa bhi question aa sakta hai ki kitni energy share hui ye bhi puch sakte hain aapse, theek hai na, तो देखो आप कैसे फिर काम करोगे बताओ, देखो बच्चा फॉर्मूला सीधा है, C1 into C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 रेस टू पावर माइनस 6, दूसरे की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 रेस टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 2 into C1 plus C2 यानी कि 15 माइक्रो का मतलब होता है 10 रेस टू पावर माइनस 6, अच्छा जी V1 कितना है 50, V2 कितना है अनचार्ज्ड है तो 0 लिख दो, 50 का पावर 2, सॉल्व कर लो बच्चा, लो 10 raised to power minus 6, minus 6, 3, 5 जा, 15, 2, 6 जा, ठीक है, और 6 से 5 लगभग कैंसिल कर दो यार, ठीक है, तो 10 raised to power minus 6 into 2, 5, 0, 0, यानि कि 2.5 into 10 raised to power minus 3 जूल, या आप ये कह सकते हैं 2.5 मिली जूल, ये इतना एनर्जी का लॉस हुआ है, इतना एनर्जी का हुआ, शेयर हुआ, ठीक है ना बच्चा, इतना एनर्जी का लॉस या एनर्जी शेयर। अब आप लोगों के लिए जितने बच्चे बैठे हो आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल बना देता हूं, दो मिनट में आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे कि टू कैपेसिटर्स 9 माइक्रोफेराड एंड 1 माइक्रोफेराड आर चार्ज्ड टू 50 वोल्ट एंड 90 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, हाउ मच
एनर्जी विल बी शेयर्ड, एनर्जी विल बी शेयर्ड, कितना एनर्जी शेयर होगा आप ये बात हमें बता दीजिए, ठीक है ना, कितना एनर्जी शेयर होगा ये बात हमसे पूछना चाहता है क्वेश्चन में। देखिए हम किस तरह से फिर इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देखो बच्चा, हमने क्या कहा कि हमारे पास ना दो कैपेसिटर है, ऐसे न्यूमेरिकल मैंने सीबीएसई में देखे आते हुए कि दो कैपेसिटर हैं 9 माइक्रोफेराड एंड 1 माइक्रोफेराड, जिनको चार्ज किया गया 50 वोल्ट पे और 90 वोल्ट पे, तो हाउ मच एनर्जी विल बी शेयर्ड। एक ये ऐसी बात भी आ सकती है, एक ऐसी बात भी आ सकती है कि कितना लॉस हुआ है एनर्जी का, मतलब आपको क्वेश्चन ना किसी भी स्टाइल से पूछ सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो आंसर बता देंगे मेरे को सभी बच्चे, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी फटाफट से बता दो बच्चा मेरे को, फटाफट से आंसर बताओ, ठीक है, कि कितना एनर्जी शेयर हुआ है। यहां पे बच्चे बैठे हैं आकर्षण, आश्रय, अमृतपाल, गुरलीन सैनी, मनजोत कौर, दोनों मनप्रीत कौर और नेहा बिजू। हाँ जी नेहा बेटा, फटाफट से आंसर बताओ इसका, सभी बच्चे बताएंगे मेरे को, क्योंकि ये बहुत इजी है। अभी आपको मैंने इसका स्टाइल भी बता दिया कि कैसे वर्क करता है एक्चुअली, है ना। हाँ जी मैसेज कर देना मेरे को, हाँ जी किसी का मैसेज नहीं आया बेटा, फटाफट बताओ यार क्या कर रहे हो बच्चों, जल्दी जल्दी करो, कैलकुलेटर वगैरह रखा करो अपने पास। हाँ जी फटाफट से करो बेटा सॉल्व, लास्ट 1 मिनट। हाँ जी बहुत इजी था यार, आप लोग क्या कर रहे हो, आपको एनर्जी में चेंज निकालना है, डेल्टा यू एनर्जी में चेंज कितना हुआ है, तो वही तो एनर्जी शेयर हुई होगी ना भाई, एनर्जी कितनी शेयर हुई जितना एनर्जी में चेंज हुआ है। डेल्टा यू आप कैसे निकाल सकते हो, C1 C2 divide by 2 into C1 plus C2 और मल्टीप्लाइड बाय V1 minus V2 ले लो या V2 minus V1 ले लो, एक ही बात, क्योंकि इसका पावर आपको 2 करना है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो आपके पास डेल्टा यू का वैल्यू कितना बनता है बता दो, C1 की वैल्यू कितनी है 9 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। किसी भी बच्चे का जवाब नहीं आया अब तक, अरे ये तो गलत बात है भाई, ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन। और C2 की वैल्यू कितनी है जी 1 माइक्रो, मतलब 10^-6 डिवाइड बाय 2 into C1 plus C2 9 plus 1 यानी कि 10 माइक्रोफेराड, मतलब 10^-6। और V1 minus V2 एक का है 50, एक का 90, तो 90 minus 50 इसका पावर 2। तो ये देखिए 10^-6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 4.5 into 10^-7 ऊपर आएगा 1, ठीक है, इंटू ये 4 4 जा 16 यानी कि 1600, तो ये आपके पास बच जाएगा कितना बोलिए। अच्छा एक बच्चे का आंसर आया मेरे पास, गुलीन सैनी सर 3 times होगी क्या, क्या हुई 3 times बेटा, नहीं देखो बच्चा ये फिर आपके पास वैल्यू आ गई डेल्टा यू की, ठीक है, तो डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास आ गया, देखो बेटा तो ये आपके पास आ गया वैल्यू कितना 4.5 into 1.6 into 10^-4 है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों की प्रोडक्ट देख लीजिए कितनी आएगी, वही एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, या एनर्जी जो ट्रांसफर होगी एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक, वो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो
देखो बच्चा, इस पे आपको इस तरह से न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने हैं। अब देखो कई बार आपको क्या कहा जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आपको, देखो हम पजल कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, कि मेरे पास मान लीजिए कि ये है एक कैपेसिटर, ये है बी कैपेसिटर, ये है मेरे पास सी कैपेसिटर, ठीक है। मान लीजिए कि इनिशियली इसके पास चार्ज था Q1, आप मान लो कि 20 माइक्रो कूलम चार्ज था इसके पास, और इसके पास चार्ज था Q2 = 30 माइक्रो कूलम, आप चार्ज मान लो, ठीक है। अब ये ए कैपेसिटर है, ये बी कैपेसिटर है, ये सी कैपेसिटर है, दैट इज अनचार्ज, ये अनचार्ज है। हमने इसको स्टार्टिंग में कनेक्ट किया ए के साथ, उसके बाद कनेक्ट किया बी के साथ, उसके बाद हमने ए को चार्ज किया और फिर हमने बी के साथ कनेक्ट किया, तो कितना लॉस हुआ होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। देखो बच्चा मैंने क्या कहा कि दिस इज अनचार्ज ना, अनचार्ज, ठीक है ना बच्चा, ये आपका कैपेसिटर कैसा है, अनचार्ज है, ये अनचार्ज है बच्चा। अब आपने क्या कहा कि फर्स्ट, सबसे पहले सी को किसके कांटेक्ट में लाया जाता है, ए के, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट सी को किसके कंटेक्ट में लाया जाता है, बी के, उसके बाद क्या कहा मैंने, ए को चार्ज किया, चार्ज कितने हुए पोटेंशियल से, मान लो मैंने 20 वोल्ट से उसको चार्ज किया, उसको फिर मैंने क्या किया, डिस्कनेक्ट किया बैटरी से और उसे कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट किया किससे, बी से, तो कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है बी को, एनर्जी ट्रांसफर कितना हुआ है टू बी, ये वैल्यू आप मेरे को बता दो, मतलब देख लो मैंने कहानी कितनी बढ़िया बना दी। तो देखो बच्चा, जब मैं इसको सी को ए के कंटेक्ट में लाके लेके आता हूं, तो मेरा जो ए है उसके पास चार्ज कितना बचता है बताइए आप मेरे को, ए के पास 10 और बी के पास कितना हो जाता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ए के पास बच जाता है भाई 10 माइक्रो कूलम। अब 10 इसके पास था और 30 इसके पास था, दोनों का कितना हुआ 40, 40 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसके पास कितना आ गया, बी के पास अब 20 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रो कूलम। अब क्या कहा गया आपको कि ए को क्या दिया गया, ए को चार्ज किया गया विद द हेल्प ऑफ 20 वोल्ट, यानी कि V1 = 20 वोल्ट से उसको चार्ज किया गया, ठीक है, और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, फिर बी से कनेक्ट किया, अच्छा जी उसके बाद बी से कनेक्ट करो, ये लो भाई बच्चा लो मैंने बी से कनेक्ट कर दिया, है ना, बी से कनेक्ट कर दिया, तो कहता है कि बी को कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है ये आप हमें बताइए। तो देखो बच्चा इसके लिए तो हमने फॉर्मूला बना रखा है पहले से कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, दैट इज डेल्टा यू विच इज C1 × C2 / 2 × C1 + C2 और मल्टीप्लाइड बाई V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो C1 है 10 और C2 है 20, और माइक्रो इंटू माइक्रो तो 10^-6 × 10^-6, माइक्रो की वैल्यू 10^-6 होती है, और 2 × C1 + C2, C1 + C2 20 + 10 दैट इज 30 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6, और V1 कितना है जी 20, क्या दूसरे को चार्ज किया था, नहीं नहीं किया, तो 0 कर दो उसका, तो 20^2, तो ये कितना हो गया भाई, देखो ये देखो बच्चा लो, 0 से 0 कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, अच्छा जी कुछ और बाकी बचता है, नहीं, तो 10^-5, 20^2 = 400 और डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया बच्चा लोग 10^-3 × 4/3, 4/3 को मैं 1 ले रहा हूं, तो 10^-3, ओके गाइस, 10^-3 ये क्या हुआ जूल, ये इतना एनर्जी क्या हुआ है उसमें शेयर हुआ है, यानी कि 1 मिली जूल एनर्जी क्या हुआ है शेयर हुआ है, यानी कि इनपे बेस होके आपके न्यूमेरिकल्स ऐसे बन सकते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा ही एक न्यूमेरिकल है जिसको आप ट्राई करके भी देख सकते हो बच्चा लोग, ठीक है ना, जिसको आप ट्राई करके देख सकते हो, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है इसी तरह। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे, क्या ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, हां जी आकर्षण कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, आकर्षण आकर्षण बेटा,
हाँ जी आकर्षण, हाँ जी बच्चे, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बच्चा आश्रय, कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? हाँ जी बच्चा कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना, मतलब आगे जब भी सॉल्व करोगे इसको इजीली सॉल्व कर दोगे बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी अमृतपाल, समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा गुरलीन सैनी, गुरलीन सैनी, गुरलीन सैनी, समझ में आया बेटा? नहीं। मनजोत, मनजोत, यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा मनजोत दूसरी जो है उसको समझ में आया बेटा? मनरीत कौर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा। नेहा, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। सिमरन, सिमरनप्रीत कौर, सिमरनप्रीत कौर, सिमरन तो अभी ऐड हुई है भाई। अच्छा ऐड होने के बाद चली गई। चलो देखो बच्चा, एक मैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं, आप उस न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। हो सकता है आप लोग उसे सॉल्व कर देंगे, मेरी ख्याल से जहां तक मैं सोच रहा हूं, ठीक है आप उसको सॉल्व कर देंगे मेरे साथ, अगर लगेंगे सॉल्व करने तो हो जाएगा आपसे सॉल्व। देखो बच्चा क्या दिया गया है, ऐसे आपको कैपेसिटर्स दिए होंगे, ऐसे एक कैपेसिटर यहां पे लगा रखा है और दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहां पे ज्वाइन करना है और एक कैपेसिटर यहां पे ज्वाइन करना है, ठीक है ना बच्चा लोग। अब देखो एक कैपेसिटर मैं यहां पे ज्वाइन कर देता हूं और दूसरा कैपेसिटर जो है वो मैं यहां पे ज्वाइन कर देता हूं। कैपेसिटर का सिंबल होता है, दो पैरेलल आप प्लेट्स शो कर सकते हो, ठीक है, और एक मैं यहां पे ज्वाइन कर देता हूं। और दूसरी सबसे अच्छी बात मैंने क्या करी है, यहां पे, यहां पे मैंने एक बैटरी भी लगा रखी है, ठीक है। देखो बच्चा लोग, हमने एक बैटरी भी लगा रखी है यहां पे। कैसे हमने बैटरी लगा रखी है? देखो यहां पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है यहां पे एग्जैक्टली यहां, ठीक है ना। इसको मैं लाइनिंग कंप्लीट कर देता हूं इसकी, ये देखो बच्चा लोग, ये देखो भाई बच्चा लोग, ये हमारे पास है पूरा अरेंजमेंट जो मैंने आपके सामने रखा है। देखो बच्चा आपको क्या कहा गया है यहाँ पे, यहाँ पे आपको कहा गया कि आपने 300 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 300 वोल्ट की। ये कैपेसिटर आपका है 100 पिको फेराड का, ठीक है, इसको कैपेसिटर C1 की तरह ट्रीट कर लो, ये C2 और ये C3 और ये है आपके पास 200 पिको फेराड और ये है आपके पास 200 पिको फेराड, ठीक है, और ये है आपके पास 100 पिको फेराड का फोर्थ कैपेसिटर C4, ठीक है। अब आपको जो नेटवर्क दे रखा है, पूरा नेटवर्क आपको दिया है, आपसे क्वेश्चन किया गया है कि फाइंड चार्ज, आपको फाइंड करना है चार्ज एंड वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज, वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर, कैपेसिटर फॉर ईच कैपेसिटर,
ठीक है, आपको फाइंड करना है चार्ज एंड वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर। हाँ जी बच्चा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बताइए फटाफट से बताइए मेरे को कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा लोग देखो बेटा, यहां ना एक बात याद रखना कि ये प्लस ये माइनस, इसको ना ब्रेक करके देखना, आप ऐसे मत सोचना, सिंपली मत सोचना इसको ऐसे, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूं, कितने बच्चे ऐसे इसको ट्राई कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। हाँ जी सर, सर आ गया, ठीक है भाई। हाँ जी, कितने बच्चे इसको ट्राई कर सकते हैं, हाँ जी कितने का मैसेज आया मेरे पास। अच्छा जी, गुरलीन सैनी आप कर सकते हो इसको सॉल्व, नेहा नेहा बेटा सॉल्व कर सकते हो इसको, नेहा आंसर करो बच्चा। मनरीत, मनजोत, गुरलीन, गुरलीन ने तो बता दिया, अमृतपाल, आश्रय, आकर्षण, बताओ बच्चों, बहुत इजी न्यूमेरिकल है यार, ट्राइंग, वेरी गुड मनरीत, नेहा, नेहा भी, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश अमृतपाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बच्चों, बच्चा पार्टी मैंने सॉल्व किया है, एक बार आप देखिए इसको ध्यान से कि इनका 200, 200 का बन गया 100। ये देखो यहाँ पे इनका 100, ये 100 था ही, तो ये 100 एज इट इज रहा, ये 100। अब ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं, ये और ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में है तो आप सीधा सम करते हो तो इसका बन गया 200। 200 के बाद 100 नीचे रहेगा, लेकिन अब देखो ये एक वायर से कनेक्ट है, ये प्लस है ये माइनस, अगर मैं इस वायर को तोड़ के सीधा कर दूं तो फिर मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये कैपेसिटर लग जाएगा मेरा यहाँ पे और दूसरा कैपेसिटर मेरा लग जाएगा यहाँ पे और यहाँ आप प्लस एंड से आपने जोड़ दिया, ठीक है ना, यहाँ आपने प्लस एंड से जोड़ दिया इसको, ठीक है, और दूसरे यहाँ पे माइनस एंड से जोड़ दिया आपने इसको, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो ये आपके सामने आ गया,
ये प्लस ये माइनस, ये है भाई आपका 200, ये है आपका 100. 200 और 100 का क्या होगा, 200 into 100 divide by 300, तो ये आपके पास आ गया 200 by 3, 366.6 pF. ये आपके पास resultant capacitance आ गया. और आपको ये voltage कितनी दे रखी है, 300 volt. तो आप charge कैसे निकालोगे, Q is equal to C into V. C into V, C की value कितनी है आपकी 200 by 3 और V की value कितनी है 300. तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 2 × 10⁴, क्या पिको, पिको क्या होता है 10⁻¹2, तो ये आ गया 2 × 10⁻¹8 कूलम का चार्ज है जो पूरे सर्किट में फ्लो करता है. अब 200 से भी इतना फ्लो करेगा, 100 से भी इतना ही फ्लो होगा, है ना बच्चा. तो 200 किससे मिलकर बना था, 100 और 100, तो चार्ज इनके पास हो जाएगा हाफ ऑफ. वोल्टेज आप इनके लिए निकाल ही सकते हो, ठीक है ना. तो Q इज इक्वल टू सी वी के कॉन्सेप्ट को याद रखना और उस कॉन्सेप्ट से इसको कवर करते जाना, आपका कॉन्सेप्ट बनता जाएगा बच्चा, ठीक है ना. तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है ये न्यूमेरिकल. आपका होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज इसे कंप्लीट करना और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताते जाना. अब मेरे को क्लास यहाँ पे स्टॉप करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मेरे को स्कूल में जाना पड़ेगा, ठीक है. तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू.